जैसे ही अंगद करने जाएगा गैरी को कॉन्ग्रेचुलेट, वैसे ही गैरी के पास आ जाएगा सीरत का कॉल। की गाल है अंगद, तुम्हारे भाई का रिश्ता पक्का हुआ है और तुम इस तरह मुंह लटका के खड़े हो, तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं बुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। सेलिब्रेशन तो बनता है। तुम्हें हो क्या जाता है सीरत? बंदा फोन काट रहा है, मतलब बिजी होगा ना? बोलो क्या है? हद है, मतलब मुझे सॉरी बोलने की जगह तुम मुझ पर ही भड़क रहे हो। लिसन, इससे पहले तुम ज्यादा बकवास करो ना, मेरी बात सुनो। हम लोग मिल रहे हैं ना आज? लोकेशन तुमने डिसाइड की थी, टाइम मैं डिसाइड करूंगी। अब 7 बजे नहीं, 4 बजे मिलेंगे, याद रहे 4 बजे। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, आज ही मिल सकते हैं, आज बहुत जरूरी काम है, आज बिजी हूं मैं। ओह, बिजी हो? गैरी कह देगा सीरत से कि वो कर ले किसी और से शादी। तो मेरी बात क्यों नहीं समझते? मेरे घर पे मेरी ब्याह की मूर्ति ही चल रही है, परसों लड़के वाले देखने आने वाले हैं मुझे, मेरा सर फट रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, गुड न्यूज है स्टूपिड, रिश्ता आ रहा तो ब्याह कर लो ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, खैर तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे अलावा किसी और से ब्याह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और ये बात मुझे तुम्हें और कितनी बार समझानी पड़ेगी? हाँ सीरत, देखो मेरी बात सुनो। तुम सुनो मेरी बात। 4 बजे, ठीक शाम 4 बजे अगर तुम नहीं आए ना, तो मैं वहां से डायरेक्टली तुम्हारे घर आ जाऊंगी, सबको सारा सच बता दूंगी। सीरत और गैरी की बातों के दौरान एक बार फिर से साहिबा को मिल जाएगा उनका पीछा करने का मौका। और मैं एग्जैक्ट 4 बजे ग्रीन ईव गार्डन पहुंच जाऊंगा, और हाँ, जब तक मैं खुद से कॉल ना करूं तब तक प्लीज तुम मुझे कॉल मत करना। पता नहीं क्या पसड़ी कर लेते हैं।